क्या आपको पता है सूरज लाल नहीं सफेद है और पौधे भी मांस खाते हैं। और आप अपने आँख से नहीं बल्कि दिमाग से देखते हैं, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन। आपको पता है मधुमक्खी हमें डंक मारने के बाद मर जाती क्यों है? तो जब वे डंक मारती है तब उनका कांटेदार डंक त्वचा में फंस जाता है और यह डंक उनके शरीर से जुड़ा होता है। डंक को निकालने के चक्कर में उनका शरीर का पिछला हिस्सा भी डंक के साथ बाहर निकल जाता है और उनका यह हिस्सा उनके पेट और पाचन तंत्र से जुड़ा होता है। और आपको यह पता है एक वीनस फ्लाई ट्रैप पिचर प्लांट नाम का पौधा है जो मांस खाता है, और ऐसा इसलिए करता है ताकि वह नाइट्रोजन प्राप्त कर सके। और वह नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए अपने जड़ में मौजूद कीड़े मकोड़ों को खाता है। अमेजिंग है यार। और क्या आपको यह पता है आप आँख से नहीं बल्कि अपने दिमाग की मदद से देख पाते हैं। आँख सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेता है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाकर हमारे दिमाग तक पहुंचाता है जिसकी मदद से हम देख पाते हैं। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लमों में से एक है, और हाल ही में इंडिया का सर्वे किया गया जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो साल 2050 तक अगर ऐसा ही रहा तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहर पानी बढ़ने के कारण समुद्र में पूरी तरह से डूब जाएंगे। और आपको पता है सूरज वास्तव में सफेद है? जब नासा ने अंतरिक्ष में ऊंच ऊंचाई से देखा तो यह सफेद रंग के अपने असली रंग में दिखाई पड़ा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे हमें यह पीला क्यों दिखाई देता है? तो हम कम ऊंचाई से देखते हैं इसलिए यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से पीले रंग का दिखाई देता है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।